टूट को छक्को टूट को होगी मुंह पे बॉल होगी बॉल टूट को छक्को हमारे तो सुना लड़सू। अच्छा मैं जयपुर में ड्यूटी करे हो। अच्छा और भाई मैं साइकिल से आयो और लॉकडाउन लगा दियो कसने और परेशानी इतनी होगी लोग। तारीख की बात है 25 तारीख के बाद में मैं ठोंडा खरीदूंगा। अच्छा और फिर देखो हम बराबर आएंगे। क्या पैसों में खरीदता है और का भैंसन खरीदो पैसा नहीं। अच्छा रही सक जयमत गांव पूरा कांग्रेस ले रहो और चौधरी इलियास को इंशाल्लाह जिता के भेजेंगे यहाँ से। कितनी बाबा जी कह दे भाई जोश के। अरे बाबा जी कह दे। अरे बाबा जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह। भाई बीजेपी ने ऐसा करो मैं जयपुर में ड्यूटी करे हो। अच्छा और भाई मैं साइकिल से आयो और लॉकडाउन लगा दियो कसने और परेशानी इतनी होगी लोगन लू बहुत ज्यादा। कहाँ मदद करेगी बीजेपी भाई। अच्छा हम बूढ़ा आदमी साइकिल से जयपुर से सवारी आने बंद कर दी। निजात पाने के लिए लॉकडाउन लगाया था बीमारी फैल गई थी। बीमारी कहाँ नहीं वो तो वहाँ कोई सियासत ही उसकी। अच्छा हाँ वो बीमारी कुछ नहीं कौन मरा बताओ। कोई दिक्कत नहीं किसानी बात की हर तरह से मतलब एक जो है इसका ये बीजेपी ने हमको सताया है। आप यहाँ पंचायत कर रहे हैं ये किस चीज को लेकर आप कर रहे हो? ये इलेक्शन के दौर में कर रहे हैं और इलेक्शन के दौर में सारे गांव ने मशोरों कर गए जो बैठे हैं इन सरपंच पूर्व सरपंच मेंबर नंबरदार और अपने कुणबान के सारे ही कुणबान के जिम्मेदारान जो बैठे हैं सब ने मशोरों कर ये तय किया है कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है और मोहम्मद इलियास को वोट देनी है। पूरा गांव ने तय कर ली। तो अब किस दिन यहां पर एंट्री होने वाली है इलियास जी? ये मशोरों सुबह करूंगा 30 रखें या 29 रखें। लगभग कितने लोगों ने समर्थन दिया है इस पंचायत में कांग्रेस पार्टी को? इस पंचायत में ना पूरा गांव में मेरे ख्याल लगभग इसमें 3000 वोट है जिनमें 400 वोट बाहर रहेंगी। 2500 वोट को जो ये आदमी बैठे हैं यहाँ जिम्मेदारान लगभग 2500 वोटन का मालिक है। 2500 वोट इलियास ले रहे हैं। अच्छा आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था फेसबुक पर के चौधरी रहीसा के पास हमारे दो बच्चे जाते हैं उनके बारे में क्या मामला हुआ? जाते नहीं है उसने एक हफ्ता पहले दो बालक बुलाए और बुला के उन्होंने बात करी बात करके टाइम दिया। उन्होंने कही चिंता मत करो अभी तो हम हार रहे हैं लेकिन मैं वोट उम्मीद है 25 के बाद में वोट खरीदूंगा। किसने कहा था हम हार रहे हैं? रहीसा। अच्छा हम हार रहे हैं अभी तो हम हार रहे हैं ये 20 तारीख की बात है 25 तारीख के बाद में मैं ठोंडा खरीदूंगा। अच्छा और फिर देखो हम बराबर आएंगे। क्या पैसों में खरीदता है और का भैंसन में खरीदो पैसा नहीं। अच्छा पूरा इलाका बुझे मत कही। अच्छा बुझा हुआ हम जाबू चटपड़ा वहाँ पर बच्चे बुलाए गए तो उनसे कहा था कि मैं 25 के बाद जो है वोटे खरीदूंगा। ये सरपंच जी का बयान है और ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा सरपंच साहब कह रहे हैं लगभग हमारे यहाँ से 2500 वोट कांग्रेस को जाएंगी। बिल्कुल इतनी जाने वाली इंशाल्लाह पक्की इतनी जाएंगी। क्या कांग्रेस पार्टी बन रही है हरियाणा में? हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा आपका कैंडिडेट जीत रहा? बिल्कुल इंशाल्लाह कैंडिडेट जीत रहा बहुत वोटों से। हरियाणा में बन पाएगी कांग्रेस? हाँ इंशाल्लाह हरियाणा में बनेगी। अच्छा बिल्कुल बीजेपी कह रही है हम हैट्रिक लगा रहे हैं। बीजेपी तो कुछ कहेगी कुछ भी कह रही तो रहीसा वाला भी कह रहे हैं हमारे हमारी 25000 से जीत रहे हैं। अच्छा और क्या जो हमारी मीटिंग हुई है जो पंचायत हुई है ये कांग्रेस पार्टी के लिए और चौधरी मोहम्मद इलियास के लिए वोट देने के लिए पूरा गांव की पंचायत हुई जितना मौजूदा आदमी है ये सारा की मीटिंग इसलिए हुई। अच्छा पूरा गांव जो है मेजोरिटी के साथ में जितने बैठे हैं वो आपके सामने बैठे आप भी गांव के सारा देख लो मेरे ख्याल जहाँ तक है 80-85% मेजोरिटी है गाँव आप भी गाँव के खूब नजर डाल दो खूब उसमें वीडियो में ले लो वहाँ ले लो। तो कांग्रेस सरकार घेरा मारी है? हाँ बिल्कुल कांग्रेस पक्ष में मोहम्मद इलियास पक्ष में जो है पंचायत हुई उसको प्रोग्राम लेने के लिए और वोट इकट्ठी करने के लिए जो है कि गांव इकट्ठा हुआ है। बीजेपी कह रही है अब के मौका और दो हम आपका विकास कराएंगे। अब वो तो कहते रहेंगे उनको तो बार बार मौका मिलेगा वो तो कहते रहते हैं उनके कहने से मौका थोड़े काम नहीं कराते काम करेगा काम करते तो वो बच्चा बंद करना कर दिया पैदा करना काम करते तो वो बच्चा ना बनाती कि बात। अच्छा बीजेपी बंद कर दिया बनाना बीजेपी कहाँ से पाड़ेंगे उन बाड़ा करने नहीं बीजेपी ने तो बंद कर दिया आसमान में करो करो वो। अच्छा यहाँ नहीं किया कहाँ करो जमीन पे कर दो तो बच्चा पैदा वो कह रही है हमारे विधायक को नहीं जिताते इसलिए मेवात में विकास नहीं होता। जब इतना जीता मैं जब विकास ना करे। अच्छा इसलिए नहीं जीता इसलिए तो नहीं करे जब विकास ना करे उनमें आदत ही ना विकास करने की। जी बाबा इस बार किसकी वोट करोगे? कांग्रेस। किस लिए? किस लिए अभी तो कांग्रेस के विधायक विकास हुआ नहीं है। अरे बढ़िया करे विकास विकास बढ़िया करे बिल्कुल
मोहम्मद इलियास को वोट दिया। मोहम्मद इलियास की कांग्रेस। आप किसको वोट करोगे? कांग्रेस। आप किसको कर रहे हो? कांग्रेस। किसी ने पढ़ाकर भेजा आपको कांग्रेस? नाम कोई ना पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ाया, अपनी इच्छा से। कांग्रेस। कांग्रेस। आजाद उम्मीदवार भी मौजूद है ग्राउंड में? ना रहने दे। रईस खान ना, वक्त कोई नहीं। वो कह रहा है कि बहुत बड़ा छक्का लगेगा अबकी बार। अरे सुनो, टूट को छक्को, टूट को होगी मुंह पे बॉल, होगी बॉल है, टूट को छक्को। अरे तो सुना लड़ सु। अच्छा, कांग्रेस की, कांग्रेस की वोट कर रहे हो। लगभग आपका प्रत्याशी कितने वोट जीत रहा है? कम से कम 30,000। रहीसा खान के जो वोटर हैं वो कह रहे हैं हम 15,000 से आगे निकले हुए हैं अभी। नहीं, झूठ बोल रहे। झूठ बोल रहे किस लिए? वो कह रहे विकास फुल कराता रहीसा। अरे कुछ भी ना, कुछ भी कुछ भी नहीं कराया। नहीं, विकास का कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस के आगे पूरी सरकार कांग्रेस की पड़ेगी। लहर तो बीजेपी की चल रही है, वो कह रहे हैं हमारी चल रही है। कुछ ना झूठ बोले बीजेपी। मेवात से कितनी सीट निकलेंगी बीजेपी? मेवात से सारी सीट ये कांग्रेस की निकलेंगी। कांग्रेस की आ रही है? अच्छा, कितनी तकरीबन सीट आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की 65-70 सीट आएंगे कम से कम। बीजेपी तो कह रही है कि हम गठबंधन से बीजेपी का सारा जो फेक जो उसका जो वो चल रहे नारे वो तो फेक हुए बिल्कुल। अच्छा ठीक है, झूठ बोलते हैं। अब आप भी देख रहे हो कांग्रेस की हरियाणा में कितनी जबरदस्त लहर चल रही है, मतलब इतनी हवा चल रही है बिल्कुल। नहीं, बीजेपी कह रही है जनता बीजेपी से बिल्कुल परेशान है। सबका साथ सबका विकास नहीं दिया, सबका साथ नहीं दिया, सबका विकास नहीं किया। अच्छा, हाँ, केवल पूंजीपतियों का विकास किया। आपको पता, वो कह रही है दस साल विरोध करते करते पब्लिक की निकल गई। वो कह रहा है बिना भेदभाव का हमने बहुत नौकरियां दी, कुछ नहीं दिए। पढ़े लिखे नौजवान मारे उसने, पहलवान मारे, खिलाड़ी मारे उसने, मास्टर मारे, आंगनवाड़ी वाली मारी है। ये बहुत बड़ा कौन बड़ा छोड़ा? आरोप लगा रहे हो बहुत बड़ा। बिल्कुल सही आरोप है, आप देख रहे हो 10 साल से। बताओ कौन किसकी बात मानी? नहीं, वो फिर कह रही है कि आपके बार और मौका दीजिए तीसरी बार। सारी 10 साल प्रदर्शन में चली गई बीजेपी के खिलाफ, किसी की नहीं सुनी। कब सारे बेच दिए किसने? और कब्रिस्तान को शमशान से लड़ा दिया, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दिया। कब्रिस्तान को किसने? किसने? हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दिया बीजेपी ने। हाँ, ये वो तो कह रही है हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं। अरे करते उस पर यही तो मुद्दा हिंदू मुस्लिम का, और क्या है इसी मुद्दे से अलग निकल के चुनाव लड़े। अच्छा, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान से अलग चुनाव लड़े, जब पता लगे कितनी वोट मिलेंगी। जी, किसकी वोट करने जा रहे हो आपके? कांग्रेस की वोट। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार किसकी बनने वाली? कांग्रेस की बनने वाली है सरकार। कांग्रेस सरकार पूरे बहुमत से बन रही है। पूरे बहुमत से बन रही है।